फ्रेंड्स देखिए, बस हल्का गोल्डन कलर लाना है इन नाश्तों में। और फ्रेंड्स देखने में कि जितने ही अच्छे लगते हैं ना खाने में, उससे भी ज़्यादा स्वाद होता है इस नाश्ते में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते को। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम आलू से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसके लिए लिए हैं मैंने 4 आलू और 6 ब्रेड के पीसेस। ब्रेड और आलू से हम आज बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलूओं को अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है। सभी आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। एक प्याज को बारीक काट लिया है, 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब डालेंगे मसाले, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे, चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। फ्रेंड्स सफ़ेद तिल से और अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा नाश्ता हमारा। डालेंगे 1 चम्मच नमक। फ्रेंड्स ब्रेड को हमने तोड़ लिया है और अब डाल देंगे और ब्रेड को। फ्रेंड्स ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, अब ये ब्रेड का चूरा डाल देंगे। अब डालेंगे 2 चम्मच, यह है कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच डालना है कॉर्नफ्लावर को। और अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेना है। अब डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से हाथों से मैश करने के बाद इसको एक डोसा तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं, उसी तरह हमें इसे एक डो बना लेना है। ये आलू का डो तैयार है, इसी तरह से डो तैयार कर लेना है। अब हमने बाउल में लिया है करीब 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं, पर मेरे पास चावल का आटा है तो मैंने चावल का आटा लिया है। और क्या है कि चावल के आटे से जो भी आप नाश्ता बनाएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे पानी और इसका घोल तैयार करेंगे। ऐसे लेंगे आलू को, हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे और ऐसे आलू को लेंगे ऐसे करके गोल बना के, और इसको ऐसे हल्के से प्रेस कर लेंगे, यानी कि टिक्की की तरह हमें इसे बना लेना है। बिल्कुल गोल शेप देनी है इस टाइप में। ऐसे दूसरा भी लेंगे, गोल करेंगे और ऐसे टिक्की की तरह बना लेंगे, ऐसे गोल। इसी तरह से हम सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। इस तरह से सभी नाश्तों को तैयार कर लिया है। ऐसे लेंगे और ये जो हमने चावल के आटे का बैटर तैयार किया है, इसी में डिप कर देंगे। डिप करने के बाद अब ये जो ब्रेड का चूरा है, पलट पलट के अच्छे से लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड अच्छे से लगा लिया है। देखिए फ्रेंड सारा नाश्ता हमने तैयार कर लिया है। जितने भी ये नाश्ता था सब पे हमने अच्छे से ब्रेड से कोटिंग कर दी है। अच्छे से ब्रेड के चूरे को पलट पलट के नाश्ते में लगाना है, अच्छे से कोटिंग करनी है। और कढ़ाई में डाला है ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इन नाश्तों को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें अच्छे से पलट पलट के इन सभी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, हमारा नाश्ता रेडी है।
सभी नाश्तों को निकाल लेंगे प्लेट में, इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। सभी नाश्तों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता रेडी है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब फ्रेंड्स, जितने अच्छे लग रहे हैं देखने में उतने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में भी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रंची हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको आवाज़ आ रही होगी कितने क्रंची हैं, ये देखिए। और मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जितने ऊपर से क्रिस्पी हैं उतने ही अंदर से, ये देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स न्यू रेसिपी पे, न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू।